Dear students, I welcome you to the Arabic learning class. As I told you earlier, that the first four lessons are somehow difficult. So far, in the previous three lessons, you have read Arabic alphabets, English equivalents of Arabic alphabets, the variant form of the letters according to their position, isolated, initial, medial, final, 9 vowels, 3 short vowels, fatha, dhamma, kasra, long vowels, alif, waw, ya, sukoon, madda, and shadda, 30 Arabic words and their meanings. For easy learning and avoiding all confusion, I have divided this lesson into 7 sections. In each section, there are one practice only. In this lesson, we will do the revision of 20 Arabic words. Mind, we have learned so far 30 words, but we are going to do revision of only 20. We will be doing the practice of reading and writing. We will learn the remaining one vowel, that is a tanween, and use it practically. We will learn 10 new vocabularies also. Let's get started. Dear student, जैसा मैंने तीसरे लेसन में पहले रिवीजन किया था, तो चौथे में भी हम रिवीजन से शुरू कर रहे हैं। और मुझे इस्माइल मेरठी का एक शेर याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, जो पत्थर पर पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुभा घिस जाए पत्थर की सिल। एक बार फिर मैं शेर सुनाऊँ, जो पत्थर पर पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुभा घिस जाए पत्थर का सिल। शायर कह रहा है कि पत्थर बहुत ही मजबूत चीज होती है और पानी बहुत नरम चीज होती है, लेकिन अगर पानी पत्थर पर बराबर गिरता रहे तो वो पत्थर घिस जाता है। इसी तरीके से अगर ये वोकैबुलरी आप बार बार इसको याद करते रहें, तो ये आपके ब्लड तक चला जाएगा। दिमाग तो छोड़ो, फिर आप कभी इसको भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओगे। हम आपको 20 वर्ड का रिविजन कराने जा रहे हैं। सीखा हमने 30 है, तो जो पहले लेसन में हमने सीखा था उसको छोड़ दिया। अब दूसरे और तीसरे लेसन की वोकैबुलरी जो 20 होती हैं, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है जवालुन, जवालुन अ मोबाइल, मतारुन एन एयरपोर्ट, मतारुन एन एयरपोर्ट, हकीबतुन, हकीबतुन अ बैग, हाफिलतुन, हाफिलतुन अ बस, मकतबुन, मकतबुन एन ऑफिस, कुर्सीयुन, कुर्सीयुन अ चेयर, शाहिनतुन, शाहिनतुन अ ट्रक, शंततुन, शंततुन अ सूटकेस, फुंदुकुन, फुंदुकुन अ होटल, गुरफतुन, गुरफतुन अ रूम, हिंदीयुन एन इंडियन, हिंदीयुन एन इंडियन, सायहुन, सायहुन अ टूरिस्ट, ताजिरुन, ताजिरुन अ ट्रेडर, तबीबुन, तबीबुन अ डॉक्टर, मुहंदिसुन, मुहंदिसुन एन इंजीनियर, मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन अ नर्स, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन अ लेडी टीचर, मुहासिबतुन, मुहासिबतुन अ लेडी अकाउंटेंट, हारिसुन, हारिसुन अ वॉचमैन, सायकुन, सायकुन अ ड्राइवर। अभी हमने जो रिवीजन किया है वो अरबी में किया है और उसके मीनिंग दिया है। मैं नहीं चाहता हूं कि वन वे ट्रैफिक चले, टू वे ट्रैफिक आपके दिमाग में, जैसा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ऐसे ही। अब आपके सामने मैं अंग्रेजी का फ्रेज पढ़ूंगा,
वर्ड पढ़ूंगा, आप जल्दी से अपने मन में उसकी अरबी रिकलेक्ट कीजिएगा और फिर मेरी सुनिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने सही रिकलेक्ट किया है या नहीं। अ पेन, कलम, कलामुन, अ मोबाइल, जवालुन, एन एयरपोर्ट, मतारुन, अ बैग, हकीबतुन। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ने के बाद खामोश हो जाता हूं, उतने देर में आप रिकलेक्ट कीजिए और जल्दी से कीजिए। अबस, हाफिलतुन, एन ऑफिस, मकतबुन, अ चेयर, ये तो बड़े आसानी से आप जानते होंगे, कुर्सीयुन, अ ट्रक, शाहिनतुन, अ सूटकेस, शंततुन, अ होटल, फुंदुकुन, अ रूम, गुरफतुन, एन इंडियन, हिंदीयुन, अ टूरिस्ट, सायहुन, अ ट्रेडर, ताजिरुन, अ डॉक्टर, तबीबुन, एन इंजीनियर, मुहंदिसुन, अ नर्स, मुमर्रिदतुन, अ टीचर, मुदर्रिसतुन, एन अकाउंटेंट, मुहासिबतुन, अ वॉचमैन, हारिसुन, अ ड्राइवर, सायकुन। डियर स्टूडेंट, इन वर्ड का जो सिलेक्शन है ये जिंदगी के तजर्बे से किया गया है। इसमें आपको इनडेफिनिट नाउन मिलेंगे, फेमिनिन नाउन मिलेगा, मैस्कुलिन नाउन मिलेगा। ये बाद में जब आपके पास ये वोकैबुलरी का एक भंडार हो जाएगा तब आपको पता चलेगा, जब मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगा कि मैंने क्यों कहा। मैं आपसे कह भी सकता था अ ड्राइवर के बजाय सिर्फ ड्राइवर, एन अकाउंटेंट की जगह पर सिर्फ अकाउंटेंट। नहीं, आगे जब हम आपको द अकाउंटेंट सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एन अकाउंटेंट की अरबी क्या थी। इसीलिए हमने एन अकाउंटेंट, एन एयरपोर्ट, इस तरीके की चीजें सिखाई है जो कि ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी इसको सिखाना था। डियर स्टूडेंट, हमने पहले सेक्शन को बड़े कामयाबी से रिवीजन किया। अब हम जो है अल्फाबेट जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखें, फिर मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, अलिफ से, जैसा कि आप थर्ड लेसन में किया था। अलिफ, आइसोलेटेड, असलम। अलिफ असलम में देखें, ये इनिशियल है। हामिद, ये मिडिल में अलिफ आया। बादशाह, इसमें दो अलिफ आ गए और आखिर में अलिफ है। मेरा मकसद आखिर में अलिफ कैसे लिखा जाता है ये सिखाना था। बा, बरीद, बरीद में बा देखिए शुरू में आ गया। दूसरा है कुब्बा। अब यहां देखिए, हमने आपको शद्दा का भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कुब्बा, बा के ऊपर शद्दा है और ये बीच में आ रहा है। हसीब, यहां बा आखिर में आ रहा है। ता, तिम्मन, देखिए मीम ते तो शुरू में आ रहा है जिसको मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और मीम के ऊपर आप शद्दा देख रहे हैं, बार बार शद्दा कह रहा हूं, इसको कैसे पढ़ेंगे। तिम्मन, शद्दे का भी प्रयोग हो गया। कत्तान, ते के ऊपर शद्दा लगा हुआ है, ते बीच में आ रहा है। दरसत, ते सबसे आखिर में आ रहा है। सा, अब सा में देखिए, सबता, से पहले आया, बे के ऊपर शद्दा है। अब आप ये देखिए कि हमने कितनी मेहनत से ये वर्ड निकाल के लाया है कि जब तक आप शद्दा नहीं पढ़े थे मैंने आपको शद्दा की कोई प्रैक्टिस नहीं दिया, यहीं आकर के शद्दा की प्रैक्टिस कर रहा हूं। सबता, सबता से जो है शुरू में है।
तस्बीत सा बीच में है, हस्सा, देखिए फिर श्रद्धा की प्रैक्टिस, हस्सा से आखिर में है, जीम जन्ना, जीम शुरू में है, नू के ऊपर श्रद्धा है, जन्ना, शजरा शजरा शजरा, जीम जो है बीच में आ गया, अलहाज, जीम आखिर में आया, हा हर्रका, श्रद्धा के भी प्रैक्टिस है लेकिन मेन प्रैक्टिस हे का है कि हे इनिशियल कैसे आएगा, तहता बीच में हा, रियाह आखिर में हा, अब देखिए खे की प्रैक्टिस, खफदा, खे शुरू में है, फा के ऊपर श्रद्धा है, खफदा जिसके ऊपर श्रद्धा होता है वो अल्फाबेट वो सिलेबल दो बार पढ़ा जाता है, खफदा, खे शुरू में है, तखजीन, खे बीच में आ गया, दवखा, खे आखिर में आया और वाव के ऊपर श्रद्धा है, तो एक ही प्रैक्टिस में दो प्रैक्टिस चल रही है, आप श्रद्धा का भी कर रहे हैं और खे का भी कर रहे हैं, दाल, दक्का, दाल शुरू में आया, काफ के ऊपर श्रद्धा है, ये दुख को, दाल बीच में आया, काफ के ऊपर श्रद्धा है, फरीद, दाल आखिर में आया, दाल, जर्रा, देखिए जर्रा, दाल शुरू में, रा के ऊपर श्रद्धा है, ये जुर्रो, दाल बीच में आ गया, जर्रा ये जुर्रो, आखिर में क्या है, अलज्जो, अलज्जो, दाल के ऊपर श्रद्धा है और दाल आखिर में है, रा आइसोलेटेड, रहला युरहलो, तज़कीर, आप तीनों में देखें, रा शुरू में, रा बीच में, रा आखिर, लेकिन श्रद्धा भी की प्रैक्टिस कर लें, रहला युरहलो, अब जा जव्वरा, जव्वरा, जे शुरू में, वाव के ऊपर श्रद्धा, जव्वरा, अज़्ज़ज़ा, देखिए जे बीच में आया और उसके ऊपर श्रद्धा, अज़्ज़ज़ा, युअज़्ज़ज़ो, जे आखिर में आ गया, अब सीन की प्रैक्टिस करते हैं, सीन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अगर सिर्फ सीन लिख रहे हैं तो उसकी शक्ल ये होगी, सहला युसहलो, असास, अब सहला में सीन शुरू में, हा के ऊपर श्रद्धा, युसहलो में सीन बीच में, हा के ऊपर श्रद्धा, असास, देखिए दो बार सीन का इस्तेमाल हुआ है, इससे आपको सीखना चाहिए कि सीन बाद वाले अर्फ से मिल सकता है, असास, और आखिर में जो आता है वो अलग से अलिफ के बाद नहीं जुड़ता है, शीन शद्दा, शीन शुरू में, दाल के ऊपर श्रद्धा, शद्दा युशद्दिदो, शीन बीच में आ गया, मिरकाश, शीन आखिर में आया, साद सअबा युसअबो, तखलीस, साद आइसोलेटेड, सअबा, साद शुरू में, युसअबो, साद बीच में, तखलीस, स्वाद आखिर में, अब देखिए दाद, ज़ाफा युज़ाइफो, इम्तियाज, अब दाद को देखिए आइसोलेटेड, ज़ाफा, दाद शुरू में, आयन के ऊपर श्रद्धा, आप ये भी देख लीजिए कि आयन जब बीच में होगा तो कैसे लिखा जाएगा, ज़ाफा युज़ाइफो, इम्तियाज, ता आइसोलेटेड, तहरा युतहरो, मत्तात, तहरा, ता शुरू में, हा के ऊपर श्रद्धा, युतहरो, ता बीच में, हा के ऊपर श्रद्धा, मत्तात, आखिरी लफ्ज में दो बार तो आया, एक तो के ऊपर, ता के ऊपर श्रद्धा, मत्तात, अब देखिए जो जल्ला, जल्ला, यज़ल्लो, महफूज, ज़ल्ला यज़ल्लो,
महफूज। अब आयन का प्रैक्टिस करें, आयन आइसोलेटेड, अज्जला युअज्जिलु लामिअ। अब देखिए अज्जला पहला वर्ड है, आयन शुरू में, युअज्जिलु आयन बीच में, लामिअ आयन आखिर में। गैन की प्रैक्टिस, गादरा युगादिरु मबलग, गादरा गैन शुरू में, युगादिरु गैन बीच में, मबलग गैन आखिर में। फा फक्करा युफक्किरु इल्तिफाफ। अब देखिए फक्करा, फा शुरू में, काफ के ऊपर शद्दा, फक्करा युफक्किरु फे बीच में, काफ के ऊपर शद्दा, इल्तिफाफ, दो फा है, आखिर वाला फा से हमारा यहां मुराद है कि आखिर में फा कैसे लिखेंगे। काफ कद्दरा युकद्दिरु अखलाक, कद्दरा काफ शुरू में, दाल के ऊपर शद्दा, दो बार पढ़ा जा रहा है, कद्दरा युकद्दिरु काफ बीच में, अखलाक काफ आखिर में। फिर काफ कब्बरा युकब्बिरु अफलाक, काफ शुरू में, काफ बीच में, काफ आखिर में। लाम लक्कना युलक्किनु हलाल, लक्कना लाम शुरू में, काफ के ऊपर शद्दा, युलक्किनु लाम बीच में, हलाल। देखिए दो बार लाम आया है के बाद आया है और फिर आखिर में आया है, हलाल। मीम का प्रैक्टिस, मक्कना युमक्किनु कलाम, मक्कना मीम शुरू में, काफ के ऊपर शद्दा, युमक्किनु मीम बीच में, काफ के ऊपर शद्दा, कलाम मीम आखिर में। नून नब्बहा युनब्बिहु इहसान, नब्बहा नून शुरू में, बे के ऊपर शद्दा, हा के ऊपर फतहा, नब्बहा युनब्बिहु ये के ऊपर ज़म्मा, नून के ऊपर फतहा, बे के ऊपर शद्दा, शद्दा के नीचे कसरा, युनब्बिहु हे के ऊपर ज़म्मा, युनब्बिहु इहसान। अलिफ के नीचे कसरा, हे के ऊपर सुकून, सीन के ऊपर फतहा, उसके बाद लॉन्ग वॉवेल इहसान, नून के ऊपर सुकून। देखिए हम कैसे इसको तहलील करके पढ़ते हैं। अब देखिए हा हद्दमा युहद्दिमु अशबाह, हा आइसोलेटेड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हे के ऊपर फतहा, दाल के ऊपर शद्दा, शद्दा के ऊपर फतहा, हद्दा मीम के ऊपर फतहा, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे हद्दमा हद्दमा युहद्दिमु, ये के ऊपर जम्मा, हे के ऊपर फतहा, दाल के ऊपर शद्दा, शद्दा के नीचे कसरा, युहद्दे मीम के ऊपर जम्मा, टोटल हो जाएगा युहद्दिमु अशबाह। देखिए अलिफ के ऊपर फतहा और शीन के ऊपर सुकून, पहले से उसको मिला देंगे अश, बे के ऊपर फतहा और उसके बाद लॉन्ग वॉवेल अशबाह, हे के ऊपर सुकून अशबाह। अब वाव को, वाव आइसोलेटेड, वब्बखा युअब्बिखु ज़ू, वब्बखा में वाव शुरू में, युअब्बिखु में वाव बीच में, ज़ू में वाव आखिर में। या यली या शुरू में, फी फी हा यहां या बीच में, कै या आखिर में। डियर स्टूडेंट ये जो लेसन मैंने बनाया है इसमें जितने वावेल आपने पढ़े हैं सिर्फ उसी का प्रयोग कर रहा हूं। इस जब आपने सिर्फ फतहा पढ़ा था, दम्मा पढ़ा था, कसरा पढ़ा था, सिर्फ मैं उसको यूज कर रहा था। जब आपने लॉन्ग वावेल पढ़ लिया, अलिफ वा या पढ़ लिया, फिर मैंने उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब आपने सुकून पढ़ लिया, शद्दा और मद्दा पढ़ लिया, मैंने उसको भी इस्तेमाल किया। तो
ये तो था हमारा तकरीबन आप कह लो रिवीजन, और उम्मीद है कि ये लेसन आपको काफी पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत से बनाया गया है, अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो अरबी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अरबी की एक साइंटिफिक भाषा है, इसको बिल्कुल साइंस की तरह आप पढ़िए, देखिए कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, हमने दो सेक्शन को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अब ये हमारा तीसरा सेक्शन ग्रामर का है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आई एम स्टिल टीचिंग यू वॉवेल ओनली इन द नेम ऑफ ग्रामर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड 9 डिफरेंट वॉवेल्स इन अरबिक। टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न वन वॉवेल एंड दैट इज तनवीन। तनवीन मीन्स नुनेशन। अब देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपका बैक को देता हूं, उसके ऊपर एक फतहा नहीं है बल्कि दो फतहा है, तो इसको हम पढ़ते हैं बन, आवाज आएगी अन की, ये जहां दो आया अन आएगा। नीचे देखें बा, उसके ऊपर एक दम्मा नहीं है बल्कि दो दम्मा है, तो इसको हम पढ़ेंगे बुन, ये उन की आवाज पैदा करेगा। और तीसरा ब के नीचे एक कसरा नहीं है, दो कसरा है, जैसे कसरा लिखते हैं वो दो तरीके से होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे बिन, और ये साउंड देगा इनका। अब आइए हम प्रैक्टिस करते हैं तनवीन का, और सबसे पहले अन की तनवीन करेंगे। और आपको बता दूं जब भी अन लिखा जाएगा तो वो अलिफ के ऊपर लिखा जाता अन, और कभी बगैर अलिफ के नहीं लिखते हैं। तो पहला क्या देखो, अलिफ के ऊपर दो है अन, बे के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर दो लगे हुए हैं, दो तनवीन, इसको हम पढ़ेंगे बन। ता है, ता के बाद लॉन्ग वावेल है, उसके ऊपर दो तनवीन है फतहा वाली, इसको पढ़ेंगे तन। सा है, सा के बाद लॉन्ग वावेल है, उसके ऊपर जो है दो फतहा है, उसको पढ़ेंगे सन। जीम के ऊपर, जीम के बाद अलिफ है, वही लॉन्ग वावेल है, और उसके ऊपर दो फतहा है, उसको पढ़ेंगे जन। हा के बाद लॉन्ग वावेल, लॉन्ग वावेल के ऊपर दो फतहा, उसको हम पढ़ेंगे हन। खे के बाद लॉन्ग वावेल, लॉन्ग वावेल के ऊपर दो फतहा, उसको हम पढ़ेंगे खन। ये जो पहली लाइन है इसके नीचे मैंने ट्रांसलिटरेशन कर दिया है ताकि आपको आसानी हो, और बाद में मैंने ट्रांसलिटरेशन नहीं किया है इसलिए कि ट्रांसलिटरेशन आपको कमजोर करेगा। तो एक बार मैं फिर पढ़ता हूं और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन। क्लियर? अब बगैर ट्रांसलिटरेशन के पढ़िए। दन, जन, रन, जन, सन, शन, सन, धन, तन, धन, अन, गन, फन, कन, कन, लन, मन, नन, हन, वन, यन। डियर स्टूडेंट, हमने जो अन की आवाज आती है और वो कैसे आती है उस सेगमेंट का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो इस रिकॉर्डिंग को एक बार फिर आप पढ़िएगा। अब हम पांचवें प्रैक्टिस पर जा रहे हैं और इसके अंदर उन की प्रैक्टिस करेंगे। फोकस हमारा क्या होगा? उन। जो जम्मा है जिससे ऊ का साउंड निकलता है, ऊ का मात्रा निकलता है, अगर इसी जम्मा को डबल जम्मा कर दिया जाए तो ये उन होगा, और ये किसी पर आ सकता है। जैसे अलिफ के ऊपर हमने रखा है उन, बा के ऊपर दो रखा है बुन, ता के ऊपर रखा है दो तुन, सा के ऊपर दो दम्मा सुन, जीम के ऊपर दो दम्मा जुन, हा के ऊपर दो दम्मा हुन, खे के ऊपर दो दम्मा खुन। इसका ट्रांसलिटरेशन है। अब जरा एक बार मेरे पीछे आप रिपीट करो। उन, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन। बहुत अच्छा, बड़े अच्छा आप कर रहे हैं। अब आइए दाल के बाद हम शुरू करते हैं और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहिए। दुन, जुन,
रुन, जुन, सुन, शुन, सुन, दुन, तुन, वुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, नुन, हुन, उन, युन। हमने दो दम्मा वाली जो तनवीन है, उन वाली जो सेगमेंट है, उसको भी बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमारी छठी प्रैक्टिस है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम, प्रैक्टिस ऑफ इन। और फोकस देखिए, साइन अलिफ के नीचे दो कसरा लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे इन। बा के नीचे दो कसरा है, बिन। ता के नीचे दो कसरा है, तिन। सा के नीचे दो कसरा है, सिन। जीम के नीचे दो कसरा है, जिन। हा के नीचे दो कसरा है, हिन। खे के नीचे दो कसरा है, खिन। अब रिदिम के साथ मेरे साथ आप पढ़िए और उसको रिपीट कीजिए। देखिए, पहली लाइन में मैंने ट्रांसलिट्रेशन दे दिया है ताकि पहली बार आपको मदद कर दे, और ये पहली ही बार होना चाहिए। आखिर में आप खुद कोशिश करो, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कोई आदमी आपको नहीं सिखा पाएगा, आपको बढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़िए, इन, बिन, तिन, सिन, जिन, हिन, खिन। एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे साथ शुरू से फिर से पढ़ें, इन, बिन, तिन, सिन, जिन, हिन, खिन। अब दाल पर आए, दिन, विन, रिन, जिन, सिन, शिन, सिन, विन, तिन, विन, इन, गिन, फिन, किन, किन, लिन, मिन, निन, हिन, विन, इन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया है, और इसी के साथ अरबी के जो तकरीबन 10 वॉवेल आते हैं उनकी पूरी प्रैक्टिस आपने कर लिया। अब कोई प्रैक्टिस आपसे बची नहीं है कि उसके लिए कोई नया लेसन बनाया जाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि द फर्स्ट 4 लेसन्स आर लिटिल डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें आपको कोई अल्फाज सीख नहीं रहे थे, सिवाय इसके कि जो आपको आखिर में 10-10 आपको वो कबलवी देता था जिसमें आपको लगता था कि आप अरबी पढ़ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस। अब ये सेगमेंट भी हमारा अच्छी तरीके से पूरा हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने थोड़े समय में कितनी ज़्यादा चीज़ों को सीख लिया। अब ये सेक्शन इस लेसन का आखिरी सेक्शन है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खूब दिल लगा के पढ़ेंगे, इसलिए कि ये लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता है। इसमें हम आपको 10 अरबी के नए वोकैबुलरी सिखाने जा रहा हूँ। पहला क्या है, मैं अंग्रेज़ी से अरबी चलूँगा, फिर अरबी से अंग्रेज़ी। पहला है ब्रदर, इसकी अरबी है अखुन, ब्रदर अखुन, सिस्टर उख्तुन, सिस्टर उख्तुन। और आपको प्रोनंसिएशन भी दिया गया है रोमन में, लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक इस प्रोनंसिएशन पर डिपेंड न रहें। देखिए, सारे वावेल आपने सीख लिया है, अगर उख्तुन को ले लें, अलिफ के ऊपर दम्मा है, खे के ऊपर सुकून है, ते के ऊपर तनवीन है दम्मे वाली, तो क्या पढ़ेंगे, उख्तुन, उख्तुन। सन इब्नुन, सन इब्नुन, फ्रेंड सदीकुन, फ्रेंड सदीकुन, गर्लफ्रेंड सदीकतुन, गर्लफ्रेंड सदीकतुन, नेबर जारुन, नेबर जारुन, मैनेजर डायरेक्टर,
इसकी अरबी है मुदीरुन, मुदीरुन मैनेजर, मुदीरुन ऑफिस बॉय, फर्राशुन ऑफिस बॉय, फर्राशुन। देखिए रे के ऊपर शद्दा आपको दिखाई पड़ रहा है और आखिर में जो हम उन पढ़ रहे हैं इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है। ऑफिस बॉय फर्राशुन, पासपोर्ट जवाजुन, पासपोर्ट जवाजुन, वीजा तशीरतुन, वीजा तशीरतुन। अब हमने इंग्लिश से अरबी की प्रैक्टिस किया है, अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अरबिक से इंग्लिश का, ताकि टू वे आपका दिमाग काम करे। ये ना हो कि जब अंग्रेजी में पूछा जाए तो आप बता दें और अरबी में पूछा जाए तो ना बताएं। और देखिए ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमारे घरों में भी हैं, हमारे भाई हैं, बहन है, बेटा है, दोस्त है, तो जब दोस्त आए तो दोस्त की तस्वीर अपने दिमाग में बैठाएं, जब बहन आए तो बहन की तस्वीर बैठाएं, बेटा आए तो बेटे की तस्वीर बनाएं। चलिए पहला वर्ड है अखुन, ब्रदर। आप सोच लीजिए, पहले आप सोचेंगे फिर मैं उसका मीनिंग दूंगा। उख्तुन सिस्टर, इब्नुन सन, सदीकुन फ्रेंड, सदीकतुन गर्लफ्रेंड, जारुन नेबर, मुदीरुन मैनेजर डायरेक्टर, फर्राशुन ऑफिस बॉय, जवाजुन पासपोर्ट, तशीरतुन वीजा, तशीरतुन वीजा। अब मेरे दिल में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड अरबिक है जो जवाजुन तशीरतुन फर्राशुन, अरब इसको कैसे करते हैं और आमतौर से वो जवाजुन जब ज़रूरत होती तभी बोलते हैं, वरना बोलेंगे तशीरतुन को कहेंगे तशीरा, जवाजुन को बोलेंगे जवाज, फर्राशुन को कहेंगे फर्राश, सदीकतुन को कहेंगे सदीका, सदीकुन को कहेंगे सदीक, जारुन को कहेंगे जार, इब्नुन को कहेंगे इब्न, उख्तुन को कहते हैं उख्त, अखुन को अख। तो ये क्यों कह रहा हूं, ताकि आपके माइंड में ये बात रहे कि दोनों के मीनिंग एक है, बोलने का तरीका थोड़ा सा फर्क है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। अब हमने 40 अरबी के वर्ड सीख लिए हैं, आप इन 40 वर्ड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताशीरा और आप समझ जाएगा आप वीजा की बात कर रहे हैं, जवाज पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब कहेंगे फर्राश वो समझ जाएगा कि आप ऑफिस बॉय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। देखिए ये वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यही तो असली बिल्डिंग ब्लॉक है। उम्मीद है कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और पांचवें लेसन में अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे और दमखम के साथ आप आएं और आपसे पांचवें लेसन में मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड टाइम, सी यू अगेन।